अब बात करेंगे विकास नगर की, जहां के सहसपुर थाना पुलिस ने अंधी कत्ल का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 23 नवंबर को सूचना मिली कि ग्राम बालूवाला में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया है। उसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने FSL की टीम ने जांच की है और इस पूरे मसले पर कार्रवाई की है। तो वहीं मृतक गुमान सिंह के संबंध में उसकी बहन ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पत्नी ने बताया है कि उसका पति से तलाक हो गया था और पति मकान बेचकर आराम की जिंदगी बिता रहा था। पत्नी ने बताया है कि एक व्यक्ति से उसकी नज़दीकी बढ़ गई, जिसके साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच से पड़ताल कर रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। उसका एक मर्डर हुआ था, सूचना मिली थी पुलिस को, मौके पर जाकर के हम लोगों ने पुलिस ने वहाँ जाकर के काम किया है और उसमें बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते हुए दो मजदूरों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है, जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह की, एक टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, बीमार गाँव का, तो वो इन दोनों की अरेस्टिंग भी है।